डिटेल में कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे इसका रेक्टिविटी ऑर्डर, पहले पहले रेक्टिविटी ऑर्डर, उसके क्वेश्चन, फिर आगे टॉपिक स्टडी करेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान सुनना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के सिलेबस में तो ये आता भी है, इसका जो रेक्टिविटी ऑर्डर है, और बोर्ड के सिलेबस में एंट्रेंस में भी बहुत पूछते हैं इसका रेक्टिविटी ऑर्डर। तो ध्यान रखना है, आंसर निकालने हैं। एस एन वन में मैंने डिटेल जो दी थी उसको फॉलो करना है कि एस एन वन में हम कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, एस एन वन में कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं और एस एन टू में स्टीरिक हिंड्रेंस देखते हैं। ये ध्यान में रखते हुए आंसर निकालना है। तो जैसे मैंने लिया पहला क्वेश्चन, CH3CH2CL CH3CH3CL CH3 CH3 CL, सपोज ये दिया, और SN1 SN2 दोनों में अरेंज करना है इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर में। SN1 और SN2 दोनों इनको अरेंज करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर में, SN1 और SN2। क्या आंसर आएगा? ये क्वेश्चन दूसरा ट्राई करेंगे। इनको अरेंज करना है SN1 SN2 रिएक्टिविटी, SN1 SN2 की रिएक्टिविटी में अरेंज करना है इनको भी। करो ट्राई जल्दी। हाँ, कौन सा आएगा आंसर इसका? 11 साल के बच्चों में से आंसर बोलो जल्दी से। सर पहले का 3 2 1 4 SN1। पहले का 3 2 1 4 किसने बोला ये? सर मुकुल। मुकुल ये कौन सा, SN1 है SN2 है? सर SN1। SN1 SN1 में 3 2 1 4। मुकुल बहुत अच्छे आंसर, बिल्कुल सही है। रीजन दे। सर सीएल हटा देंगे तो जो कार्बोकोटाइन बनेगा वो 3 का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 3 CH3 देंगे, 2 फिर 1 फिर ऐसे 4। नहीं मुकुल नहीं, तेरा रीजन सही नहीं है, तेरा मतलब परफेक्ट रीजन नहीं है, जो होना चाहिए ना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, वो चाहिए आंसर। और कोई बच्चा 11th का? नहीं, 12th वाले बच्चों में से कौन सा आंसर देगा? सर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। हाँ रीजन दो, रीजन विधि रीजन दो। नहीं आंसर, दक्ष के बाद आंसर को रिपीट करते जल्दी से। दक्ष सर वही होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी।
हाँ तो कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी, चलो सही है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वो कार्बोटाइन 3 डिग्री स्टेबल क्यों है, क्या रीजन है उसका हटने के बाद? हाइपर कॉन्जुगेशन, बस हाइपोजिशन बोला ना, इसमें 9 हाइपोजिशन बनेंगे, ऊपर 6 बनेंगे, इसमें हटने के बाद इधर हटा, ये प्लस आया, ध्यान देंगे ये प्लस आया, 9 हाइपोजिशन, डोनेट तो करेगा प्लस आई से, लेकिन मेन रीजन क्या है, हाइपोजिशन, यहाँ प्लस आया तो 6 हाइपोजिशन, यहाँ प्लस आया तो 3 हाइपोजिशन, और इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो SN2 में ऑर्डर क्या आएगा, SN2 में 4, 1 2 3 हाँ 4 1 2 3 ड्यू टू सीरीज हिंड्रेंस, ये पता होगा सबको, ड्यू टू सीरीज हिंड्रेंस। नेक्स्ट वाले का आंसर वंश बोल दे आंसर एक बार, नेक्स्ट वाले का सर अभी कर रहा हूँ। सर इलेवन अच्छा, और कोई है बच्चा, 11 वाले बच्चों को किसने किया हो? बोलूँ सर, बोल वंश। SN1 का ऑर्डर है 4 3 2 1 5। 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, बिल्कुल सही है, रीजन दे वंश। सर इसमें भी क्योंकि जैसे SN1 में हमारा जो रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कार्बोकेटायन की उस पे फॉर्मेशन पे बनता है सर, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे हो जाएगा। सही है, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो उससे निकल जाएगा आंसर, यहाँ प्लस आया सी हटने के बाद तो वो तीन से, तीन जगह से बेंजीन से रेजोनेंस होगी, यहाँ प्लस आया तो 2 बार बेंजीन से रेजोनेंस होगी, यहाँ प्लस आया तो इधर बेंजीन से रेजोनेंस होगी, इधर हाइपरजोनेशन लगेगा, यहाँ प्लस आया तो बेंजाइल की रेजोनेंस होगी, यहाँ प्लस आया तो बेंजाइल की क्या होगी, रेजोनेंस होगी, तो इसलिए। और अब SN2 का ऑर्डर, और SN2 का सर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है कुणाल। 5 दोनों में लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? सर वहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से, तो रिएक्ट। हाँ ध्यान रखना, ये कंपाउंड जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 एंड SN2, रीजन बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो चाहे SN1 हो या SN2 हो, दोनों में ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, दोनों में क्या होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव। आगे समझ के नहीं है, समझ आ गए कि नहीं है दोनों क्वेश्चन? तो SN1 SN2 हमेशा ऑपोजिट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना चीज का, नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट ट्राई करना इसमें। अब SN1 SN2 की तरफ रिएक्टिविटी ऑर्डर, चलो इसको अरेंज करना है SN1 SN2 की तरफ रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN1 SN2 की तरफ रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन बताएगा आंसर इसका? फोर फाइव वन थ्री टू कौन बोल रहा है? सर मुकुल। 4 5 1 3 2, बिल्कुल गलत है। और कोई?
कौन बताएगा आंसर अब? चलो भाई, कुणाल ने, वंश ने सबने आंसर दे दिया, मैं आंसर बता रहा हूँ उसका, नोट करेंगे एक बार। देखो इसमें आएगा आंसर पहले, अगर हमें करना है अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1, SN1 में कहते हैं कार्बन कटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, तो मैं यहाँ पे प्लस बना रहा हूँ हर जगह। यहाँ आई हटा प्लस आ गया, सी एल हटा प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ प्लस आ गया हटने के बाद। तो प्लस आने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि पहले तीन तो कार्बोटाइन बिल्कुल सेम बन रहे हैं, तो हम देखेंगे अगर ऐसा केस आ जाता है तो देखना लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, आई सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी डिसाइड होगी बाय लिविंग ग्रुप, सही ना? तो रिएक्टिविटी डिसाइड किससे होगी, बाय लिविंग ग्रुप से। और यहाँ पे जब प्लस आएगा, यहाँ जब फोर्थ वाले में प्लस आएगा तो रेजोनेंस हो रही है इधर से, रेजोनेंस प्लस यहाँ से दो हाइपरट्रांजिशन, यहाँ से दो हाइपरट्रांजिशन और रेजोनेंस हो रही है, इसीलिए सबसे पहले तो आ जाएगा फोर्थ, फोर्थ फिर उसके बाद आएगा वन, फिर थ्री, फिर टू और फाइव होगा लीस्ट SN1 की तरफ, ये SN1 है। SN2 में करना है तो देखेंगे सेम वही चीज, इसमें भी इसमें SN2 में देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है तीनों में, पहले तीनों में स्टीरिक हिंड्रेंस है, तीनों टर्शियरी है। अब जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में स्टीरिक हिंड्रेंस और थोड़ा सा माइनस आई भी आ रहा है, थोड़ा सा माइनस आई भी आ रहा है, चिराग समझे कि नहीं, थोड़ा सा माइनस आई भी आ रहा है इसमें फोर्थ वाले केस में, तो इसलिए फोर्थ होगा मोस्ट रिएक्टिव, फोर्थ इसमें भी होगा मोस्ट रिएक्टिव। फोर्थ के बाद आ जाएगा वन, वन के बाद आएगा थ्री, लिविंग ग्रुप के बेसिस पे लिविंग ग्रुप अच्छा है तो इस वजह से ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर टू और फाइव तो आना ही लीस्ट है, समझ आया कि नहीं है? फोर वन टू थ्री फाइव, तो दोनों केस में आंसर क्या आया है, SN1 और SN2 दोनों केस में आंसर क्या आया सर? बोलो सर एक बार फोर्थ वाला बताना क्यों ज्यादा हुआ SN2 में। एक तो सेकेंडरी है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, SN2 की बात कर रहा है ना? यस सर, सेकेंडरी है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है और लिविंग ग्रुप अच्छा है। ओके सर, ये होना चाहिए था किसी भी बच्चे का, सही है ये। अब ऐसा नहीं कि SN1 SN2 हमेशा उल्टे रहते हैं, ये चीज ध्यान रखना, इसमें इसको प्रूफ करने के लिए दिया क्वेश्चन ये। किसी को कोई डाउट,
नो सर। चलो ये क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो एस एन वन एस एन टू में आंसर हमेशा उल्टा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ बहुत सिंपल केसेस हैं ज्यादातर उल्टे आते हैं आंसर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ जब इसमें जैसे दोनों सेम आए हैं तो कंसेप्ट चेक करना हमेशा कि क्या कंसेप्ट है। नेक्स्ट नोट करेंगे एस एन वन एस एन टू की तरफ। इन दोनों को अरेंज करना है एस एन वन एस एन टू में, अगेन एस एन वन एस एन टू में अरेंज करना है। नीचे भी क्वेश्चन एस एन वन एस एन टू में अरेंज करना है। कौन बोलेगा आंसर इसका? सर ऊपर वाले का 2 3 1 है। बोल वंश सर। 2 3 1 एस एन वन का ऑर्डर, ऊपर वाले का एस एन वन का 2 3 1 और कोई? 3 2 1 3 1 2 3 1 2। तो अभी तक किसी का भी सही नहीं है। अब मैं आंसर बता रहा हूँ उसका। देखो जरा आंसर इसका है 2 1 3। नहीं विधि मैंने देख लिया तुम्हारा। एस एन वन की बात कर, दक्ष तेरे को बोलना आंसर। दक्ष 1 2 3। हाँ बिल्कुल सही है, 1 2 3 आंसर आएगा। एस एन वन की बात करें तो 1 1 2 3 और एस एन टू की दक्ष
सर 2 3 1 उसका आएगा, थ्री कहां से आ गया दक्ष, थ्री कहां से, वो तो उसमें ब्रिज हेड कार्बन नहीं है, ब्रेडिट्स रूल सर कार्बोकैटायन में, इसमें कार्बोकैटायन मत भी बना तू, SN2 की ट्रांजिशन स्टेट देखेगा उसमें भी तो क्या होता था बीच में तो sp2 स्टेट आती थी ना। ओके सर 213 ध्यान रखना, ये कंपाउंड अब ये ऐसा कंपाउंड हो गया जो SN1 SN2 की तरफ कभी रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें ब्रिज हेड कार्बन है, अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो जो होते हैं ये है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो जिसमें कोई बीच में कार्बन नहीं है, ये रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो अनफ्यूज होते हैं बाईसाइक्लो, अनफ्यूज्ड बाईसाइक्लो इसमें दे कांट मेंटेन प्लेनरिटी, और चाहे SN1 हो या SN2 हो दोनों में प्लेनरिटी तो चाहिए होती है ना, बीच में स्टेट क्या आती है sp2, चाहे अगर SN1 है तो बीच में कार्बोकैटायन बनता है तो sp2 स्टेट चाहिए, और अगर SN2 है तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट जो आती है उसमें sp2 कार्बन आता है, तो इससे sp2 तो हो ही नहीं सकता ब्रिज हेड कार्बन, इट कांट मेंटेन प्लेनरिटी अंटिल एंड अनलेस वन ऑफ द रिंग ऑफ बाईसाइक्लो इज 8 मेंबर्ड, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, इट विल नॉट रिएक्ट इधर इन SN1 और इन SN2 दोनों में रिएक्ट नहीं करेगा, समझे कि नहीं, तो इसलिए SN1 देखें तो यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल, यहाँ पे सेकेंडरी तो थोड़ा कम स्टेबल, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, और SN2 देखें तो ये सेकेंडरी है तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम, और ये टर्शियरी है तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा, समझ आया कि नहीं, ये किसी भी बच्चे का सही हुआ ये आंसर, किसी का सही हुआ है कि नहीं दोनों, चलो नेक्स्ट का बोलेंगे, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, हाँ चिराग आंसर बोलना है तेरे को उसका, चिराग लक्ष्य सर नीचे वाले का, हाँ बोल दे सर, SN1 ना, हाँ सर 3 2 1 SN1 का 3 2 1 और SN2 का सर SN2 का भी यही होगा, बहुत अच्छा चिराग, रीजन दे दे सर, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सर उससे और ज्यादा वो बढ़ेगा ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एंगल स्ट्रेन, बहुत अच्छे से SN2 में सर, SN2 में बोल, हाँ हेलो सर, SN2 में जब वो अटैक करेगा ना, हाँ तो सर क्या कहते हैं वो उससे जो रिंग है ना वो क्या कहते हैं जितनी बड़ी होगी वो उतनी ज्यादा वो करेगी। अरे तू चिराग क्या आंसर दे रहा है, अजीब सा आंसर दे रहा है बिल्कुल, SN2 में भी तो ट्रांजिशन स्टेट आती है उसमें भी तो sp2 वाला स्टेट आता है, यहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं,
ये इधर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है मान ले, इधर लिविंग ग्रुप है, हम SP3D लेते हैं ना? नहीं, SP3D कहाँ से आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा हाँ, कार्बन में, हाँ कार्बन में, ये लिविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल, तो आई ना SP2 स्टेट, तो उसमें भी स्ट्रेन बढ़ेगा कि नहीं? हाँ सर, हाँ समझे नहीं है, तो इस वाले यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा एच, यहाँ एच हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, तो स्ट्रेन इससे भी बढ़ेगा, इसलिए दोनों केस में आंसर ये आएगा, दोनों के पहले तीन क्वेश्चन बोर्ड के लिए, पहले तीन क्वेश्चन जरूर कर लेना बोर्ड के लिए, तीन चार क्वेश्चन जो स्टार्टिंग पर मुझे ऐसे याद आ रहा था कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन में आपने एक बार डी में डाला था, शायद से ट्रांजिशन स्टेट में था, तो मुझे ऐसे याद आ रहा। अच्छा अच्छा चिराग, पहले बता तू वो सुना रहा ना, मैं वंश से रोज बात कर रहा हूँ तेरे लिए, उसको मिस मत करियो बिल्कुल भी, एक भी दिन मिस करेगा ना फिर मैं क्या करूंगा तेरे साथ, इतना ध्यान रखियो, तू कोई भी दिन मिस नहीं करना तेरे सुनाने का। अभी तक उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया वंश, हाँ मैंने ईशान से भी बात की थी, उसने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तेरे लिए, ठीक है समझे नहीं, तो अब करता रहियो काम, बिल्कुल मिस मत करियो कुछ भी। यस सर। हाँ अच्छा नेक्स्ट अप है, तो ये SN1 SN2 में कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे क्वेश्चन अभी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफी, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी। नेक्स्ट नोट करना है, देखो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन इसी कहीं, SN1 SN2 ये ट्राई करो, CH3 सील बॉन्ड O CH2 CL, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CH3 O CH2 CL, CH3 CL, और एक और ले लेते हैं PH CH2 CL, चलो इन चारों को अरेंज करना है SN1 SN2 में। बोला किसी को आंसर इसका? चलो देखो आंसर फिर इसका, SN1 की तरफ, SN1 में आंसर आएगा, दक्ष बोलेगा आंसर, दक्ष
दक्ष 4 2 3 1 नहीं नहीं आंसर देखो सबसे स्टेबल कार्बोटाइन इसका नहीं होगा टू का 2 4 3 1 और SN2 में SN2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है SN2 पूछते हैं इसके अंदर SN2 2 में यहाँ पे जब प्लस आएगा तो बैक बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीशन होगा यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस होगी बेंजीन से यहाँ कुछ नहीं होगा और इसमें तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है आप बोलेंगे SN2 में SN2 SN2 में बोलो सर सर बैक बॉन्डिंग भी तो रेजोनेंस ही होती है अरे उसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं आ रहा चिराग उसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं आ रहा क्या तो वो बहुत पावरफुल रेजोनेंस है सर लेकिन फिर ओपे पॉजिटिव भी तो आ रहा है फिर उसमें और बाकी उसमें कार्बन आ रहा है तू चिराग उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है तू कार्बोकैटायन वाला कांसेप्ट चेक कर ये तो सबसे पावरफुल रेजोनेंस है और सबसे ज्यादा शेल कंपाउंड बनता है इसमें SN2 बोलो चलो आंसर देखेंगे SN2 का आंसर है 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SN2 के लिए ध्यान रखना इवन IIT एडवांस में नीट में हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 SN2 का आंसर 1 2 3 4 है इसको ध्यान रख लेना ये दिमाग में स्टार मार्क कर दो 8-10 बार ये क्वेश्चन करना ही करना है देखो SN2 की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी ये सारे हैं प्राइमरी ये सब हैं जब आ गया विड्रॉइंग ग्रुप ध्यान देना जब आ गया क्या विड्रॉइंग ग्रुप तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप आ गया ना जैसे ही विड्रॉइंग ग्रुप आ गया रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी और सीड बॉन्ड स्पेशली इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये लगभग 10^5 मान के चलना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है प्राइमरी वाले से मिथाइल क्लोराइड से 10^5 इतना रिएक्टिव हो जाएगा ये और दूसरे में भी ओ तो लगाई हुआ है विड्रॉइंग ग्रुप है ये प्राइमरी तो ये भी मतलब 920 times लगभग रिएक्टिव होता है ज्यादा क्लियर ये भी 920 times क्या होगा ज्यादा रिएक्टिव और अगर बात करें अभी आ गया CH3Cl PHCH2Cl PHCH2 pH भी क्या है थोड़ा बहुत विड्रॉइंग है लेकिन इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है इसलिए हालांकि कई बुक्स में दोनों को सेम दिया गया है CH3Cl PHCH2Cl दोनों सेम है लेकिन CH3Cl हल्का सा ज्यादा रिएक्टिव है देन कोई भी प्राइमरी अगर है रेफरेंस माने किसी को और ये वाला जो है ये भी लगभग रिएक्टिव होता ज्यादा अगर C2H5Cl आ जाता C2H5Cl तो उस केस में मैं इसको बोलता ज्यादा रिएक्टिव ये SN2 में तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता तो ये ध्यान रखना चीज का तो SN1 और SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर याद रखना इसको भूलना मत इन दोनों को ये स्पेशली ये सीडल बॉन्ड वाला केस इसको भूलना नहीं है इंपॉर्टेंट चीज है काफी है सही ना अगर मैं तुमसे बोलूं CH3COCl है और से CH3Cl है तो SN1 SN2 की तरफ SN1 और SN2 में दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा दोनों में विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Which will be more reactive? बोलना किसी को आंसर तो ध्यान रखना इसका आंसर ये है मोर रिएक्टिव है CH3COCl CH3COCl इज मोर रिएक्टिव इन बोथ SN1 एज वेल एज इन SN2
रीजन बहुत सिंपल है इसका, इसके अंदर अगर तुम चेक करोगे ना, ये एसिड डेरिवेटिव है, इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट आएगी बीच में, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है अगर इसके अंदर, तो वो ऐसा आएगा नीचे NU इधर CL, तो ये टेट्राहेड्रल होता है, कार्बन sp3 रहता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, कार्बन के चार बॉन्ड ही रहते हैं। लेकिन तुम अगर CH3Cl को लोगे तो चाहे तुम SN1 ले लो या SN2 ले लो, दोनों, अगर SN1 लिया तो कार्बन के तीन बॉन्ड बनेंगे, अनस्टेबल है, और SN2 लिया तो कार्बन के पांच बॉन्ड बनेंगे, वो भी अनस्टेबल है। इसलिए एसिड डेरिवेटिव हमेशा ज्यादा एक्टिव होंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, टुवर्ड्स SN1 और SN2 दोनों के केस, दोनों में एसिड डेरिवेटिव ज्यादा एक्टिव होंगे, तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये दिया जैसे, जल्दी से आंसर देना है इसमें, SN1 SN2 की तरफ विच इज मोर रिएक्टिव, थोड़ा सा ये डाउट में है क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें जो आंसर बताऊंगा वो तुम्हें ध्यान रखना है, SN1 SN2 की तरफ, SN2 तो सबने कर लिया होगा, SN2 का आंसर क्या आएगा इसका, SN1 और SN2 में दोबारा करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर में, चलो देखो सर, SN1 में तो पता लग गया आंसर, 1 फिर 2 फिर 3, सीरिक क्राउडिंग बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, सीरिक क्राउडिंग बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं SN1 की, तो SN1 में अगर एक्टिविटी ऑर्डर देखें तो आंसर है 3-2-1, तो 3-2-1 रीजन, क्योंकि जब ये प्लस आएगा, प्लस आएगा तो ये कार्बन sp2 होगा, रिलीफ फ्रॉम एसिडिक क्राउडिंग, सीरिक क्राउडिंग से रिलीफ मिलेगा, सीरिक क्राउडिंग से क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि कार्बन sp2 हो गया तो एंगल बढ़ जाएगा इसका, एंगल ये मतलब 120 के आसपास, ये आ गया ना HH, ये एंगल 120 के आसपास हो जाएगा, तो रिलीफ फ्रॉम सीरिक क्राउडिंग, तो इसलिए पहले 3 फिर 2 फिर 1, ये आंसर आएगा इसका, रिलीफ फ्रॉम सीरिक क्राउडिंग। SN1 का है 3-2-1, हाँ